हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ रेस्टलेस रेखा पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लीमा बीन्स का उपमा रेसिपी, जो कि हमारे कर्नाटका का स्पेशल उपमा है। सादा उपमा तो सभी ने खाया होगा, लेकिन इस तरह का उपमा आप ज़रूर बनाइएगा, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, और डाल देती हूँ एक बड़ा कटोरी मीडियम रवा या सेमोलिना, और थोड़ा सा तेल डाल के अब अच्छे से भुनेंगे। ये बिल्कुल धीमी आंच पर भुनेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर न चेंज हो जाए। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब दूसरा कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने गैस पर। अब डाल देते हैं तेल, जीरा और राई डाल देंगे, तो ये चटकने लगे हैं। अब डाल देंगे एक चम्मच चना दाल, एक चम्मच उड़द दाल डाल के फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए। तो कलर चेंज हो चुका है। अभी डाल देते हैं एक प्याज, एक बार इसे भी अच्छे से चलाएंगे। अब एक चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है, अब डाल देंगे हरी मिर्च, करी पत्ता डाल देंगे, इन सबको फिर से फ्राई करेंगे। अब गाजर डाल देंगे, आप बारीक बारीक काट के भी ले सकते हैं या कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे डाल देते हैं इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है लीमा बीन्स। इन्हें मैंने रात भर के लिए भिगो के रख लिया था, और अभी इनके छिलके निकाल के यूज़ कर रही हूँ। तो अब इन सब को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो सके। तो अभी डाल देते हैं टमाटर, और इसे पकने के लिए 2 से 3 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो सके। अब एक बार फिर से अच्छे से मिलाएंगे। और अभी डाल देते हैं 2 कटोरी पानी। यहाँ पे 1 कटोरी रवा लिया था, तो 2 कटोरी पानी लेंगे, यानी 1:2 रेशियो में हम लेंगे। अब नमक डाल देती हूँ स्वादानुसार। तो अब इन सबको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो उबाल आ रहा है, एक बारी मिला के अब डाल देते हैं सूजी। यहाँ पे एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, नहीं तो गुठलियाँ बनेंगी उपमे में। अब सूजी डालने के बाद अच्छे से मिलाते जाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे उपमे को रेडी होने में। तो हमारा रवा पूरा पानी पी चुका है। अभी अच्छे से मिला के थोड़ा सा घी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा उपमे में। अब लास्ट में डाल देते हैं फ्रेश हरा धनिया,
और एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो देखिए हमारा लीमा बीन्स का उपमा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म उपमा बना के खाइएगा और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तैयार है हमारा लीमा बीन्स का उपमा। तो मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो में। थैंक यू।